तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत शानदार वीडियो जिसमें हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं ड्रेन की। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है और फिलिंग भी चल रही है। तो इसी तरह से हमारे ड्रेन के लिए पहले एक्सकेवेशन होता है, लेवल के थ्रू एक्सकेवेशन किया जाता है। पहले इन लोगों ने रोड का टॉप ले लिया है, रोड के टॉप से इन्होंने कैम्बर लिया है 2.5%, और जहाँ पर इनका कैम्बर आता है वो आ रहा है 325 mm, यहाँ पर कैम्बर टॉप पर, और उससे नीचे इन्होंने ड्रेन के लिए एक्सकेवेशन किया है पूरा 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर का यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है। एक्सकेवेशन के बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है आप लोगों को मैं बता दूँ, उस प्रोसेस में PCC किया जाता है। तो PCC करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेवल की मार्किंग के लिए यहाँ पे मार्किंग दी गई है। तो यहाँ से जो हमारे एक्सकेवेशन से जो दिया जाएगा, पहले इस बेस को जो है पूरी तरह कॉम्पैक्ट किया जाएगा, कॉम्पैक्शन के बाद इस पर PCC किया जाएगा। 150 mm का PCC है, उसके बाद उसके ऊपर राफ्ट करने वाले हैं 100 mm का। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार हो रहा है हमारी ड्रेन का, उसका पूरा स्टील लग चुका है। तो यहाँ पे ड्रेन के साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइन के लिए चैम्बर भी बन रहा है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 100 mm का PCC कर दिया गया है, उस PCC के ऊपर हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार हो रहा है। ये जो है हमारा, ये हमारा मेन बार है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, दोनों भी 10-10 mm की ली गई है। 10-10 mm का इनका डाया है और यहाँ पर अब राफ्ट डलेगा, ये राफ्ट के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल दिख रहा है। आगे आप देख सकते हो आगे शटरिंग भी तैयार हो रही है। शटरिंग जो पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताई, सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ, एक्सकेवेशन के बाद PCC के बाद बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर शटरिंग लगेंगी ड्रेन की, उसके बाद इसमें होगी पोरिंग जो हमारी कॉन्क्रीटिंग होगी, कॉन्क्रीटिंग के बाद की जो प्रोसेस है शटरिंग को हटा दिया जाएगा और उसकी क्यूरिंग की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि शटरिंग किस तरह से लगाई गई है और मैं आपको बताता हूँ कि शटरिंग लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो इंजीनियर्स मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हमारा राफ्ट है, राफ्ट वहाँ तक PCC था, अब इन्होंने यहाँ पे राफ्ट कास्ट कर चुका है। राफ्ट कास्ट करने के बाद तो ये जो हमारी, ये हमारी वॉल है, वॉल की जो हमारी थिकनेस है, जो थिकनेस आ रही है वो आ रही है हमारी 140 mm, और 140 mm के साथ साथ तो इन्होंने यहाँ पर जो स्लोप दिया है वो दिया है 100 मीटर पे 100 mm इन्होंने स्लोप दिया, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा नेचुरल स्लोप पहले से मिल रहा था तो इन्हें ज़्यादा स्लोप देने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। उसके बाद जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन का भी चैम्बर जो बनाया, लाइन बनाई जा रही है वो यहाँ बनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन की लाइन रहेंगी, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, हाई इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं वो यहाँ पर डलने वाले हैं, और यहाँ पर हमारी ड्रेन रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारी ड्रेन का जो है स्टील बन चुका है, हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का काम चल रहा है यहाँ पर। तो उसमें ये जो हमारी मेन बार है, इसे हम मेन बार कहेंगे, ड्रेन की ये जो बार होती है ये मेन बार होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, और इनकी जो स्पेसिंग इन्होंने दी है वो दी है 200 mm की, एज़ पर ड्राइंग दी है, जैसे इनको ड्राइंग में बताया गया था 200 mm की इन्होंने स्पेसिंग दी है। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों भी 10-10 mm के डाया की है। तो इंजीनियर्स अब हम समझते हैं कि कोई भी शटरिंग जो लगाने का सही तरीका है कैसी लगनी चाहिए। अगर आपको कोई शटरिंग चेक करने भेजे तो आप लोग उसमें क्या क्या चेक करोगे? जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे शटरिंग लग चुकी है, शटरिंग के साथ साथ इसके सपोर्ट लग चुके हैं, तो आपको चेक करना होगा कि सपोर्ट कहीं लूज तो नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि शटरिंग के अंदर बराबर प्रॉपर तरीके से कवर लगे हैं कि नहीं, जो आपको ड्राइंग में प्रोवाइड किए गए हैं उतने mm के कवर यहाँ पर लगे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो शटरिंग है, आपकी शटरिंग पर इनर साइड जहाँ पर कास्ट होने वाला है वहाँ पर ऑयल लगा होना चाहिए, ताकि जब आप अपनी शटरिंग निकाले तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑयलिंग कैसे लगाई जाती है। तो इंजीनियर्स मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑयलिंग लगी होनी चाहिए, तो इस तरह से ऑयलिंग लगाई जाती है साइड के ऊपर। आप देख सकते हो वहाँ पे ऑयलिंग का काम चल रहा है, ऑयलिंग लगाने का पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी इनर साइड रहेगी उसमें ऑयल पेंट लगाया जाएगा, और वो जो आपको दिख रहा है हमारी जो कास्टेड वॉल है उसमें आपको जो होल्स दिख रहे हैं उसे विप होल कहा जाता है, उसका जो टेक्निकल नेम है विप होल है। तो इंजीनियर्स अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले जो हमारी ड्रेन कास्ट हुई थी उसका अब क्यूरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। क्यूरिंग के लिए यहाँ पे गनी बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब कास्ट होने के बाद जब शटरिंग हटाई जाती है तो इसके ऊपर क्यूरिंग कंपाउंड भी डाला जाता है, जिसे एल्यूमिनाइज्ड क्यूरिंग कंपाउंड कहते हैं। और जो बार्स आप लोगों को निकली हुई दिख रही है उसे डॉवेल बार कहते हैं, क्योंकि एक कवर ड्रेन रहने वाली है इसलिए यहाँ पर इसके कवर के लिए पहले ही डॉवेल बार छोड़ दी गई है। तो इंजीनियर्स आप लोग कभी भी कोई भी कंक्रीटिंग कराते हैं उसकी शटरिंग खोलने के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होता है हनीकॉम्ब।
जो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, हनीकॉम नहीं होना चाहिए। इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये ख़राब कॉम्पैक्शन के वजह से होता है। जब इन्होंने कंक्रीटिंग की होंगी तो सही से निडल वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया होगा, इसके वजह से यहाँ पे हनीकॉम सा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप शटरिंग खोलो, उसके बाद जैसे ही आपको हनीकॉम दिखता है, आपको उसे ठीक करना है, घोल बनाना है सीमेंट का और उससे उसे फील कर देना है, उसकी जो सरफेस है उसे स्मूथ कर देना है। ऐसी रफ और हनीकॉम वाली सरफेस नहीं होनी चाहिए हमारी ड्रेन की। तो आपकी लर्निंग और स्किल्स को आसान करने सिविल गुरुजी लाया है कॉप्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, 3 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के सभी वीडियोस आपको मिलते हैं पूरे के पूरे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सीखते हैं एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बिल्डिंग शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। सॉफ्टवेयर पार्ट में आप सीखते हैं ऑटोकैड, रेविट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टाइप स्ट्रक्चरल और रेज्यूम मेकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे स्किल्स की ट्रेनिंग फीस बहुत ज्यादा होगी जो इंडिया लेवल पर आपसे चार्ज की जाती है, तो नहीं, ना इसकी फीस 1,00,000 रुपए है, ना ही इसकी फीस 60,000 रुपए है, ना ही 30,000 और ना ही 20,000। इन सभी स्किल्स के साथ आपको और एड ऑन कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि स्टैड प्रो, प्राइमावेरा, 3DS मैक्स, DPR और जॉब डिटेक्टिव। आप 9111001234 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सो इंजीनियर्स, अब इस बात का है इंतजार, करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।